हेलो एवरी वन वेलकम टू श्री राम जयर्स यूट्यूब चैनल दिस इज़ योर मेंटर आर जू कक्कर वेर एवरी डे वी यूज़ टू हैव दिस सेशन ऑफ डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सो दिस सेशन डील्स विद द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ मे तो जो न्यूज़ में है वो देखेंगे हिंदू के अंदर एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल रहा है उसको भी कवर करेंगे और काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके प्रिलम्स और मीन्स दोनों के अप्रोच से चलती हैं सो so, मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि इस सेशन में आज हम कैसे प्रोसीड करेंगे सेशन अच्छे लगते हैं तो मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन डोंट फॉगेट टू सब्सक्राइब टू श्रीराम्स आई एस यूट्यूब चैनल एंड शेयर दीज वीडियोज़ विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो राइट तो विदाउट टेकिंग टाइम आई थिंक पहले आपको एक लिस्ट दिखा देते हैं काफ़ी लंबी लिस्ट है जिसको हमें कवर करना है तो लेट्स हैव अ लुक जिस एडिटोरियल की मैं बात कर रही हूँ जो आज हिंदू के अंदर आया है वो है सडिशन से रिलेटेड क्यों न्यूज़ में है पाकिस्तान का रेफरेंस देते हुए यहाँ बात हो रही है कि वहाँ का जो ये सडिशन रिलेटेड लॉ है तो उसको कैंसिल uh, कर दिया गया है एज इन मैं बेसिक लेमन टर्म्स में भी बता रही हूँ फिर उसके बाद अगर मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है तो वाई नॉट इन इंडिया तो उसके रेफरेंस में सीडिशन की बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की uh, जो फेमस केसेस हैं विद रेफरेंस टू सीडिशन तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगी जो आपके मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सिडिशन क्या है इसके इश्यूज क्या हैं एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है जब आप मेंस का आंसर लिखते हो तो वो चाहिए रहती है तो उसी पर्सपेक्टिव से हम इस आर्टिकल को कवर करेंगे ठीक है बाकी रेस्ट जो है वो देख लेते हैं एट गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग तो ये जो गवर्निंग काउंसिल मीटिंग होगी नीति आयोग की सो so, कहाँ पर हुई क्यों कब हुई आ, या फिर कब होनी है या इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर मेन प्रायोरिटी एरियाज़ क्या हैं ब्रॉड थीम्स क्या हैं गवर्निंग काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे तो जीएस पेपर टू से आप इसको लिंक कर सकते हो जी पेपर थ्री से नेक्स्ट इज़ दल लेक तो ये आप जोग्राफ़ी और इन्वायरमेंट दोनों से लिंक कर सकते हो कहाँ पर है श्रीनगर के अंदर है क्यों न्यूज़ में है वो मैं बताऊँगी आप एक बार मैप में चाहो तो लोकेट कर सकते हो थोड़ा आइडिया लग जाएगा वैसे टूरिस्ट प्लेस है काफ़ी यहाँ जब लोग जाते हैं घूमने तो ज़रूर दल लेक भी जाते हैं सो so, अभी क्यों न्यूज़ में है विल टॉक अबाउट इट बाकी जोग्रफ़िकली हर एक चीज़ जो है जो आपके फिल्म से पूछी जा सकती है वो देखेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार क्या सिग्निफिकेंस है कितने कॉम्पोनेट्स हैं एवरी थिंग अबाउट इट क्या है कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है सब कुछ जी एस पेपर टू से लिंक कर सकते हो लेदर बैक टर्टल्स जी एस पेपर थ्री एनवायरमेंट सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट यूपीएससी स्पेशल से क्वेश्चन पूछती है उनका हैबिटेट उनका डिस्ट्रीब्यूशन राइट आई यू सी एन स्टेटस सो कहाँ पाए जाते हैं तो ये सब कुछ जो है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है इनकी नेस्टिंग साइट्स इंपॉर्टेंट होती हैं सो विल टॉक अबाउट देम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो आ रही है सो सेंगोल इन द न्यू पार्लियामेंट तो सेंगोल क्या है इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसकी हिस्ट्री इसका बैकग्राउंड सब कुछ देखेंगे जीएस पेपर टू से यू कैन लिंक इट नेक्स्ट इज़ योर फर्स्ट जी ट्वेंटी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग इस मीटिंग के अंदर जो फाइव प्रायोरिटीज रही हैं आउटलाइन दैट डैट वैर वो आपके एक बहुत अच्छा मीन्स का आंसर बना सकती है तो विल कवर इट इन डिटेल आपको यहाँ प्रिलिम्स और मीन्स दोनों की अप्रोच मिलेगी तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो ही गया है कि कैसे हम इस सेशन में प्रोसीड करेंगे तो करते हैं शुरू ठीक है चलिए पहला आर्टिकल जो है दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल प्रिजाइड ओवर द एट गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग यानी कि आज ही तो ये जो मीटिंग होने जा रही है हुई है इसका थीम क्या है विकसित भारत एट 2047 रोल ऑफ टीम इंडिया बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट थीम एट 2047 आप अपने देश को कैसे देखते हो कैसा इमेजिन करते हो आगे तो उसके लिए आपका कोई विजन होगा सो दिस मीटिंग इज़ अराउंड लाइक विकसित भारत एट 2047 जिसमें एट प्रोमिनेंट थीम्स पे डिस्कशन हुई है ये सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है लेकिन पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना मैं इन पूरी एट थीम्स पे आपको एक एक दो दो लाइंस मतलब थोड़ा सा हम इसको लेकर जाएंगे आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि ऐसा नहीं मैं चाहती कि मैं सिर्फ एट थीम्स पढ़ दूं और काम हो जाए ये थोड़ा इनकम्प्लीट रहेगा मेरे हिसाब से सो पहले आप एक बार थीम्स के नाम देख लो विकसित भारत है ट्वेंटी फोर्टी सेवन एंड इन्वेस्टमेंट मिनिमाइजिंग कम्प्लाइंसिस वुमेन एम्पावरमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्किल डेवलपमेंट गति शक्ति फॉर एरिया डेवलपमेंट एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द मीटिंग फॉर एरिया डेवलपमेंट एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये मीटिंग के अंदर ये आठ ब्रॉड प्रोमिनेंट थीम्स रही हैं एक एक को पढ़ते हैं सुनो विकसित भारत एट ट्वेंटी तो ये थीम किस पे फोकस कर रही है जैसे कि मैंने आपको बताया हाउ यू इमेजिन इंडिया हाउ यू वांट इंडिया टू बी इन द फ्यूचर एंड फाइंडिंग वेज टू मेक दैट हैपन डिस्कसिंग दोज आइडियाज डिस्कसिंग दोज प्लान्स टू डेवलप इंडिया इनटू अ बेटर कंट्री बाय द ईयर 2047 तो ये हो गया विकसित भारत एमएसएमईज़ को लेके यहाँ पर डिस्कशन हुई कि हाउ टू सपोर्ट देम हाउ टू प्रमोट देयर बिजनेस क्योंकि आपके इकोनॉमी में कंट्री की इकोनॉमी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैकबोन है सो दे दीज आर स्मॉल एंड बिजनेस स्मॉल बिजनेसिस एंड इंडस्ट्रीज सो डिस्कशन टुक प्लेस विद रिस्पेक्ट टू देम इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट थर्ड पॉइंट हो गया जहां पर मीटिंग के अंडर डिस्कस हुआ कि आप कैसे रोड्स बिल्डिंग्स ये इंफ्रास्ट्रक्चर यही सब तो है तो कैसे कंट्री की डेवलपमेंट में आप हाउ यू विल इंप्रूव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर अट्रैक्ट करोगे इन्वेस्टमेंट्स को टू मेक दैट कंट्रीज कंट्रीज स्ट्रांगर इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसके रिगार्डिंग डिस्कशन हुई मिनिमाइजिंग कंप्लाइंस कंपलाइंसिस क्या होते हैं रूल्स रेगुलेशन तो उनको आप कम करो जिसकी वजह से डिस्कशन uh, हुई कि हाउ यू कैन फाइंड वेज टू मेक दीज रूल्स मेक सिंप्लियर ईजियर ताकि लोग जो हैं वो काम पे ज़्यादा फोकस कर पाएं ये वुमेन एम्पावरमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनको भी मिले एजुकेशन वर्क सोसाइटी डिफरेंट एरियाज़ में द मीटिंग डिस्कस की विल डिस्कस हाउ टू सपोर्ट हाउ टू एम्पावर द वुमेन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कल के आर्टिकल में हमने देखा रिपोर्ट आई थी जब हेल्थ फॉर ऑल की तो बिल्कुल एक मिशन लाइफ क्या है लाइफ फॉर एन्वायरमेंट तो उस हिसाब से जियो जो कि एन्वायरमेंट सस्टेनेबल भी हो राइट टू इंश्योर कि एवरी हैज एक्सेस टू पुअर टू प्रॉपर हेल्थ केयर राइट स्किल डेवलपमेंट आज के टाइम पे आप देखो जो डिमांड है जैसे स्किल्स की डिमांड है वैसी स्किल्स होनी भी चाहिए तो ये भी एक पर्पस है स्किल डेवलपमेंट जो है वो खो बेटर ट्रेनिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले लोगों को वो अपने स्किल्स को डेवलप तो करें गतिशक्ति फॉर एरिया डेवलपमेंट एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वही स्कूल्स हॉस्पिटल्स पब्लिक फैसिलिटीज टू मेक इट मेक द लाइफ बेटर तो इनको इंप्रूव करना ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है तो ये हो गया आपका इस मीटिंग के ब्रॉड थीम्स गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग द हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जिसको नीति आयोग में जिसको कौन लीड करता है कैप्टन कौन है टीम के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपसे पूछ भी लिया जाए तो उन्हें प्लीज़ बता देना उन्हें मतलब एग्ज़ाम में अगर आ जाए सो नीति आयोग सबको पता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थिंक टैंक है दैट हेल्प्स इन मेकिंग पॉलिसीज प्लान फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया सो यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल इज दी हाइस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी और दिस काउंसिल इज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल दी स्टेट्स एंड यूटीज विद लेजिस्लेचर तो ये क्या डिफाइन कर रहा है कॉपरेटिव फेडरलिज्म को जहाँ पर सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी आप लेकर आ रहे हो क्योंकि डेवलपमेंट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सब साथ में काम करें है ना तो दैट इज गोज विद द स्पिरिट ऑफ योर कॉपरेटिव फेडरलिज्म जो कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव भी है नीति आयोग का राइट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ़ द अदर यूटीज वाइस चेयरमैन एक्स ऑफिशियल मेंबर्स नीति आयोग फुल टाइम मेंबर्स स्पेशल इनमिटीज़ तो ये सब क्या है कॉम्पोजिशन के अंदर है गवर्निंग काउंसिल के कॉपरेटिव फेडरलिज्म मैंने आपको बता ही दिया गवर्निंग काउंसिल इज अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस इंटर सेक्टोरल इंटर डिपार्टमेंटल फेडरल इशूज राइट पहली मीटिंग हुई थी 2015 के अंदर एक बॉडी दैट इज इवाल्व शेयरिंग विजन शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज एंड स्ट्रेटजीज जहां पर स्टेट का भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहता है क्लियर है ठीक है अगला आर्टिकल बात करता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सो 2024 के लिए देखो जनवरी में हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं तो डब्ल्यू सी डी मिनिस्ट्री हैज़ इन्वाइटेड नॉमिनेशन फॉर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार गवर्नमेंट कंडक्ट्स दिस प्रेस्टिजियस प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हर साल होता है जहाँ पर आप जो बच्चों ने एक्जेंपलरी आप बोल सकते हो ऐसे एक्स्ट्रा जो रिकोगशन चा देखो अलग अलग फील्ड्स में आपके अलग अलग आप कुछ ऐसा कर जाते हो राइट जैसे ब्रेवरी स्पोर्ट सोशल सर्विस साइंस तो जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं हमें सामने वाले को वो रिकोगशन देनी चाहिए उसे दे फील मोटिवेटेड वापस से डबल मेहनत करते हैं हर एक चीज़ में सो दिस पुरस्कार इज गिवन टू गिव द रिकोगशन टू द चिल्ड्रेन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ हु हैव अचीव्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकोग्शन इन सभी फील्ड्स में तो पाँच से अठारह साल तक के जो बच्चे होते हैं इनकी एज लिमिट वो इसके अंदर आते हैं दो कैटेगरीज हैं बाल शक्ति पुरस्कार बाल कल्याण पुरस्कार बाल शक्ति पुरस्कार में बच्चों को रिकॉग्नाइज वो रिकोगनेशन दिया जाता है हु आर इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन स्पोर्ट्स आर्ट एंड कल्चर जिन्होंने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट दिखाई हुई इसमें सोशल सर्विस ब्रेवरी में और बाल कल्याण पुरस्कार मतलब वो इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने एक्सेप्शनल वर्क किया है फॉर द कॉज ऑफ चिल्ड्रन इन एनी फील्ड ऑफ चाइल्ड वेलफेयर तो उनको भी यहाँ पर आ, एक कैटेगरी के अंदर रखा गया है सिलेक्शन कैसे होती है एक नेशनल सिलेक्शन कमेटी है दैट इज हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ वुमेन ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वो नेम्स को फाइनलाइज करते हैं जिन अवार्डीज़ को देना है और फिर प्रेसिडेंट अवार्ड देते हैं स्पेशल सेरेमनी के अंदर जो जनवरी के अंदर होती है एक लाख का कैश प्राइज होता है मेडल है और एक सर्टिफिकेट है ठीक है क्लियर हो गया चलिए अगला आर्टिकल बात कर रहा है दल लेक की हुआ क्या है मतलब ऐसा अथॉरिटीज़ का कहना है कि टेम्परेचर में फ़्लक्चुएशन की वजह से थाउजेंड्स ऑफ फ़िश हैव डाइड ओवर द पास्ट फ्यू डेज इन द दल लेक इसीलिए न्यूज़ में है तो कहाँ पड़ती है दल लेक सबको ही पता होगा मतलब अ वेरी स्पेशल लेक इन कश्मीर इन श्रीनगर द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सी माउंटेन रेंज है पीर पंजाल वेरी इंपॉर्टेंट मैप में जाकर देखो देखो तो बात बनेगी ओके okay. जैसे मैंने बताया टूरिज्म इट इज़ इंटेग्रल टू टूरिज्म एंड रिक्रिएशन इन कश्मीर एंड इज नेम्ड एज ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर तो यहाँ पर ये इट इज स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ 26 सिक्स स्क्वायर किलोमीटर सेकेंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर में और अगल बगल देखो तो मुगल एयर एरा गार्डन्स पार्क ये सब कुछ हैं विंटर सीजन में यहाँ पर टेम्परेचर माइनस इलेवन डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है दैट जैसे लेक फ्रीज भी होती है ये जो लेक है ना इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचुरल वेटलैंड ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है अब आपको ध्यान में रखना है सो द वेट लैंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वेट लैंड दैट कवर्स अ टोटल ऑफ ट्वेंटी वन पॉइंट वन स्क्वायर किलोमीटर ये वेटलैंड इंक्लूड नॉट ओनली द लेक बट ऑल्सो सम फ्लोटिंग ऑल्सो तो ये जो लेक है ना ये चार पार्ट्स में डिवाइडेड है बाय स्मॉल रोड जिनको आप कॉजवेज बोल सकते हो दीज पार्ट्स आर कॉल्ड ये चार पार्ट्स के नाम पता होने चाहिए कहीं से भी रेफरेंस से कहीं से भी पूछ लिया जाए नागिन गगरीबल लोकुदल बोदल तो मतलब आप जिस तरीके से भी इसको प्रोनाउंस करें सो बेसिकली दीज आर दी फोर बेसेंस अब क्या है दल लेक बेसिकली इज दैट इट हैज़ थ्री आइलैंड्स सो टू ऑ ऑफ दीज आइलैंड आर रियली वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज दे हैव स्पेशल ट्रीज कॉल्ड चेनार ट्रीज तीन में से दो हैव दीज चिना ट्रीज सो वन ऑफ द आइलैंड इज कॉल्ड रोप देट इज सिल्वर आइलैंड रोपलंग भी आप इसको बोलते हो लाइक इट हैज़ चिना ट्रीज और द अदर आइलैंड इज़ सोनलंग बेसिकली गोल्ड आइलैंड एक हो गया सिल्वर आइलैंड और एक हो गया गोल्ड आइलैंड राइट सो ये आप ध्यान में रख लोगे तो यहाँ पर भी चेनार ट्रीज जो हैं बोते हैं वन ऑफ द यूनिक थिंग्स अबाउट द लेक इज़ फ्लोटिंग मार्केट तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना वेंडर्स जो हैं दे हैव देयर ओन बोट्स दे कम टू द लेक दे सेल देयर गुड्स तो एक मार्केट ऑन वाटर ऐसे देख सकते हो इसीलिए तो टूरिस्ट जो हैं दे लव टू विजिट दिस फ्लोटिंग मार्केट अलग अलग चीज़ें वहाँ पर बिकती हैं तो काफ़ी एक अच्छा विजुअल है घूमने की जगह है कोई गया हो तो बताना ठीक है चलिए हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी विल इंस्टॉल सिंगोल इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसकी इनोग्रेशन होगी कल नई पार्लियामेंट बिल्डिंग क्या शो करती है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ओल्ड पार्लियामेंट और न्यू ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है ना इट इज एन एक्सटेंशन एक्सपेंशन ऑफ दैट ओल्ड वन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है देखो वो थी सौ साल पुरानी आप ऐसा लगा लो ब्रिटिश कलोनियल एरा के टाइम की ये डिपिक करती है कि अब हम उससे बाहर आ चुके हैं अब हम हमारा जो फ्यूचर है जो विजन है उसकी तरफ हम अब आगे बढ़ रहे हैं राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत जो हमारी है सो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग अपने आप में उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो जाना फिर उसके बाद जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है काफ़ी पुरानी हो गई थी और जो 2012 में 2015 में जो स्पीकर थे उन्होंने भी कहा और कमेटी भी बनी कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग होनी चाहिए लैजिसलेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं अगर ऐसी जो आप बोलो लेजिस्लेचर में अगर एक सेशन होना था लेकिन वो एडजर्न हो गया ड्यू टू एनी ऑफ द कॉज कि वहाँ पर देखो एसी सी डक में कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये सब मतलब होना नहीं चाहिए ना बिल्कुल भी क्योंकि आप एक ऐसी जगह जो हमारे देश के लिए लॉ बना रही है वो ऐसी होनी चाहिए दैट शुड बी अपडेटेड विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर एम जो हैं एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए दे शुड हैव देर ओन टेबल डेस्क डिस्कशंस अच्छे से हो पाए विजुअल कम्युनिकेशन और ये सब कुछ होना चाहिए वहाँ पर प्रॉपर होना चाहिए और आने वाले टाइम में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एज इन सीट्स बढ़ेंगी तो उसके लिए भी वो सीट्स को ऑक्यूपाई करने के लिए यू शुड हैव दैट प्लेस राइट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो वैसे वैसे आपको भी आगे बढ़ना है इस विजन के साथ ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है जो बनी है अब यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया है ना ये आज एक आर्टिकल भी आया है हिंदू में तो समझ लो वो भी आपका हो गया ठीक है तो उसको इसके साथ लिंक कर दिया सेंगोल सेंगोल बेसिकली क्या है अब ये आप तस्वीर देख लो ये तस्वीर ना एक बार माइंड में कैद कर लो क्योंकि जो मैं बताऊंगी वो इसी से रिलेटेड है संगोल मान लो मान इट इट डिपेंड्स ट्रांसफर ऑफ पावर एज इन कोई एक राजा था मतलब मैं तमिलनाडु के रेफरेंस से बता रही हूँ चोला डायनेस्टी के टाइम पे मान लो कोई एक राजा है अब कोई एक राजा जो है वो चला गया उसकी जगह कोई दूसरा आ गया तो क्या होता है जो वहाँ के जैसे मठ के जो प्रीस्ट होते हैं ना वो उनसे वो सिंगोल ले दूसरे को देंगे दैट इज़ कि पावर अब ट्रांसफ़र हो गई है अब ये राजा हैं राइट right, तो ऐसे ही हुआ था माउंट बेटन जो लास्ट वन थे ब्रिटिश एरा के टाइम पे इंडिया जब इंडिपेंडेंस अब हो रहा है नाइनटीन उन ट्रांसफर ऑफ पावर हो रही थी अब हम इंडिपेंडेंट हो रहे थे तो वहां पर पावर ट्रांसफर हो रही थी तो फिर किसी जो जो प्रीस्ट हैं उन्होंने उनसे लेकर किसको दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो ये है वो सिंगोल अब ये जो सिंगोल है दैट डिपिक्ट्स दैट ट्रांसफर ऑफ पावर राइटेशियसनेस इसको अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में इंस्टॉल करेंगे ये कहाँ पर है अभी मैं आपको बताऊंगी म्यूजियम इन वाराणसी वहाँ पर अभी है तो ये ना ऊपर क्या है डिपिक्ट नंदी नंदी जी क्या डिपिक्ट कर रहे हैं जस्टिस फेयर और साथ ही साथ लक्ष्मी जी भी हैं इसके अंदर द गॉडेस लक्ष्मी राइट सो ये इसके बारे में मैं जब बताने लग रही हूँ तो अब क्लियर हो जाएगा एक बार पिक्चर ध्यान में रह गई तो सिंगोल इज कैप्टियर एंड पॉइंट ऑफ प्रीस्ट ऑफ तिरुवधुन्तुरई आदिनम तो ये नाम जो है इफ़ आई एम प्रनाउंसिंग इट रॉन्ग सो पार्डन मी प्लीज लेकिन ये नाम बेसिकली जैसे मैं बता रही थी ना कि आप प्रीस जो होते हैं वो देते हैं फिर आगे ट्रांसफर करते हैं इसको देते हैं कि चलो अब जिनके पास चला गया सो इट डिपेक्ट्स ट्रांसफर ऑफ पावर इट्स सिग्निफाइज ट्रांसफर ऑफ पावर जैसे कि ब्रिटिश से इंडियन हैंड्स में गया तो इन प्रीस्ट ने दिया कल्चरल हैरिटेज इट इज़ अ कल्चरल हैरिटेज सिंगोल डिराइव फ्रॉम द तमिल वर्ड सिम मतलब राइटेशियसनेस अभी कहाँ है प्रयागराज के अंदर है सो so, अभी ये ध्यान में रखना सॉरी एट द टाइम सो वेयर वॉट इज कैप नाउ वॉज इट टिल नाउ इन द म्यूजियम इन प्रयागराज प्रयागराज के अंदर है एंड नाउ इट विल बी इंस्टॉल्ड नियर द पोडियम ऑफ अब कहाँ होगा ये इंस्टॉल नया जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वहाँ पर जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनके पोडियम के पास हिस्ट्री जैसे कि मैंने आपको बताई तो तमिलनाडु में जैसे चोला डायनेस्टी थी वहाँ पर जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो रही है फ्रॉम वन किंग टू दी अनदर सो जो प्रीस्ट हैं वो उनको देते थे प्रिलिम से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि दो ग्रेट एपिक्स के नाम दैट रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिंगम और मनी और कलई याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है सो इट सिम्बलाइजेज ट्रांसफर ऑफ पावर ये मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बता दी फीचर बहुत इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ अ फाइव फुट लॉन्ग इंट्रीकेटली कार्व अनबेंडिंग गोल्ड प्लेटेड सिल्वर स्केप्टर विद अ फिनाइल ऑफ़ फाइनल ऑफ़ नंदी जैसे मैंने आपको बताया ना नंदी क्या डिपिक कर रहे हैं यहाँ पर न्याय को जस्टिस को फेयरनेस को लक्ष्मी जी भी हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं वेल्थ और प्रोस्पैरिटी को सो so, सिंगल इज क्राफ्टेड बाय नाम ध्यान में रखना है विमुदी बेंगलुरु uh, ज्वेलर्स एंड नाइन्टी सिक्स ईयर ओल्ड तमिल स्कॉलर विमुदी बेंगलुरु चेती ऑल्सो पार्टिसिपेटेड है एंड इट वॉज स्पेशल कमीशन बाय दिरोधुंतरोई आदिनम द प्रीस एंड हैंडिड ओवर टू नेहरू तो ये फीचर्स अगर पूछ लिए जाए तो आप प्लीज बता देना क्योंकि अब आपने कवर कर लिए हैं तो ध्यान में रखना इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली ग्रांटेड की अप्रूवल फॉर एन इंटरनेशनल कंटेनर एयरपोर्ट अभी क्या है ना ग्रेट निकोबार आइलैंड ये आप मैप में देखोगे आज होमवर्क है ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑन दैट आइलैंड इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली ग्रांटेड की अप्रूवल अप्रूवल फॉर इंटरनेशनल कंटेनर पोर्ट जिसकी वजह से इट मे प्रिवेंट लेदर बैग टोर्टल्स फ्रॉम रीचिंग देअर नेस्टिंग साइट दैट इज वाइट इन न्यूज नाम आता है लेदर बैग टोर्टल क्योंकि आप इनकी शेल देखो यहाँ से ही इनका नाम पड़ता है लेदर बैग जो बैग है वो लेदर जैसी लग रही है ऐसा सोच लो साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है डर्मोकिल्स कॉरिए uh, का तो ये अगर पूछ लिया जाए किसका साइंटिफिक नेम है लेदर बैग टोर्टल का लार्जेस्ट टोर्टल है इन द वर्ल्ड दे नेम्ड फॉर देअर शेल जैसे मैंने आपको बताया विच इज कम्पोज ऑफ थिन टफ रबड़ी स्किन रबर जैसी स्किन होती है एंड हैबिटाइट uh, बहुत इंपॉर्टेंट अलास्का न्यूजीलैंड मिड अटलांटिक पैसिफिक आइलैंड साउथ ईस्ट वेस्ट कोस्ट इंडियन ओशंस सो जो नेस्टिंग बीचेज है ना दे आर प्राइमरीली लोकेटेड इन टॉपिकल लैटिट्यूड अराउंड द वर्ल्ड इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है अगर आपने प्रिलियम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं तो आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस चीज़ से ही ये समझ आता है ठीक है सवाल बन सकता है यहाँ से द इको सिस्टम ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड इज ग्लोबली जो ग्रेट निकोबार आइलैंड जो इको सिस्टम वहाँ का जो है इट इज़ इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट ऑफ द लेदर बैक टोटल्स मेन नेस्टिंग साइट्स आर साउथ एंड वेस्ट बे ऑफ लिटल अंडमान आइलैंड गलाथिया अलेक्जेंड्रिया और ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर भी तो यहाँ पर ये इनके नेस्टिंग साइट्स हैं सिंस द एज ऑफ दे एग्जिस्टेड मतलब ये दो मीटर लॉन्ग दे कैन ग्रो अप टू और इनका वेट 700 किलो तक का रहता है महराइन एको में बैलेंस बनाने के लिए दे हेल्प कैसे ये क्योंकि फीड करते हैं दे कंज्यूम जेली फिश तो ये क्या है वो फूड चेन हो गया ना कि अगर ये नहीं होंगे तो जेली फिश की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो यहाँ पर इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा तो इसीलिए इकोसिस्टम में बैलेंस जो है बनाना बहुत जरूरी है और हर एक स्पीशीज जो है वो अपना एक रोल जो है वो प्ले कर रही है रही बात कंजर्वेशन की तो वैसे वनरेबल कैटेगरी के अंदर है लेकिन बट मेनी सब पॉपुलेशन लाइक इन द पैसिफिक साउथ वेस्ट एटलांटिक दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड वनरेबल भी है लेकिन uh, कुछ सब पॉपुलेशन इन द पैसिफिक एंड साउथ वेस्ट एटलांटिक क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है शेड्यूल वन के अंदर है और अपेंडिक्स वन में है तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखना ठीक है थीके? अगला आर्टिकल क्या कहता है अगला आर्टिकल इज रिगार्डिंग दिस जी ट्वेंटी रिसेंटली फर्स्ट जी ट्वेंटी डिजासटर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर द इंडियाज जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी टुक प्लेस वेर इंडिया हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन तो यहाँ पर ना मतलब मैं आपके साथ जो शेयर करूंगी वो होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज इन फाइव प्रायोरिटीज जो आउटलाइन हुई तो मतलब बात यही है दे कॉल्ड अपॉन द गवर्नमेंट्स टू बिल्ड अ सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम ओवरऑल इसको समझने के लिए मीटिंग के हाइलाइट्स को आप ये पांच प्रायरिटीज़ को समझ लो इनको मैं अच्छे से इन डिटेल कवर करूँगी क्योंकि यहाँ से आपका एक मीन्स का आंसर बन सकता है आपको क्या करना है आपको बस मुझे ध्यान से सुनना है ऑल दैट इज रिक्वायर्ड क्योंकि अगर ध्यान से सुन लिया तो बात बन जाएगी मैं इसको बहुत अच्छे से आई वॉन्ट कि आपको ये क्लियर हो जाए सिर्फ पाँच पॉइंट्स पढ़ दूंगी तो मैं तो वो भी पढ़ सकती हूँ लेकिन मेरा वो मकसद नहीं है चाहे जो अगला आर्टिकल है वो हम कल भी ले लेंगे दैट इज योर वन जिसके हमने सिडिशन की बात करी थी तो वो मैं कल के सेशन में प्रोसीड कर दूंगी लेकिन ये पांच प्रायोरिटीज़ को इनडेप्थ कवर करना इंपॉर्टेंट है ग्लोबल कवरेज ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी आउटलाइन राइट तो ये क्या कहती है अब यहाँ पर ग्लोबल कवरेज ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर होगा जब हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट टू मेक आर वर्ल्ड सेफर बेटर प्रिपेयर फॉर डिज़ास्टर ये आपके जीएस पेपर थ्री से लिंक करता है अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होता है बिग अलार्म बजे ऐसा कुछ होता है ना बिग अलार्म सिस्टम दैट जो आपको बता दे कि डिजास्टर आने वाला है भैया इट इज़ अबाउट टू हैपन कोई बिग स्ट्रॉन्ग कोई अर्थवेक आ सकती है तो बी प्रिपेयर फॉर इट जिससे क्या होता है यू कैन सेव द लाइव यू कैन हेल्प द कम्युनिटीज टू प्रिपेयर फॉर एमरजेंसीज सो बाई इंक्रीजिंग द ग्लोबल कवरेज ऑफ दीज सिस्टम्स मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड विल बी एबल टू रिसीव द वार्निंग्स ठीक है सेकेंड पॉइंट मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम डिजास्टर रिजिलियंट मतलब इंक्रीज कमिटमेंट टूअार्डस मेकिंग दीज इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम डिजास्टर रिजिलियंट जिससे कि जैसे अर्थक्वेक आया फ्लड आया अभी देखो नॉर्थ में अर्थक्वेक आते हैं कोस्ट लाइन पे देखो साइकिल बनाता है फ्लड्स आते हैं हरिकेन्स हो गए सो वी नीड टू मेक श्योर कि जो स्ट्रक्चर्स हैं बिल्डिंग्स हैं रोड्स हैं ब्रिजेस हैं ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है दे शुड बी स्ट्रांग इनफ टू विद स्टैंड दीज डिजास्टर्स जब आप डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आप डैमेज कम कर पाओगे जो डिजास्टर से आएगा एंड इट विल मेक इट ईजियर फॉर द पीपल कि वो उसके बाद रिकवर कर पाएं अच्छे से ईजिली भी रिकवर कर पाए स्ट्रांग नेशनल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क फॉर डी आर आर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन इट मीन्स टेकिंग एक्शंस दैट रिड्यूज द रिस्क एंड इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर मतलब यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्रेमवर्क इसका मतलब इसका मतलब कंट्रीज शुड हैव प्लान्स कैसे प्लान्स टू एलोकेट मनी रिसोर्स टू प्रिपेयर फॉर डिज़ास्टर रिस्पोंड टू देम वेन दे हैपन अगर बाद में कुछ मतलब जिस टाइम जरूरत पड़ी तब नहीं है बाद में मिले तो उसका क्या फ़ायदा राइट हेल्प पीपल रिकवर आफ्टर व्या होता है सामने वाले को लगता है कि कोई सपोर्ट सिस्टम है आपका देर इज समन अवेलेबल टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट दो सो फोर्थ पॉइंट देखो स्ट्रेंथन नेशनल एंड ग्लोबल डिजास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम तो जब डिजास्टर होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर वेल कॉर्डिनेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम हो गवर्मेंट ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटीज दे वर्क टूगेदर किस लिए टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू दोज हुर अफेक्टेड बाई डिजास्टर सो वेन दे नीड जब किसी को वही बता रहे हैं जब किसी को डिफिकल्ट डिफिकल्ट टाइम में ज़रूरत हो और ज़रूरत है नीड है तो तब सपोर्ट करो तब सपोर्ट मिले तो अच्छा है ना बाद में वो सपोर्ट मिलने का क्या फ़ायदा सो बाई स्ट्रेंथनिंग दैट नेशनल एंड ग्लोबल डिजास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम वी एंड कि लोगों को लोगों तक वो हेल्प पहुँचे क्विकली और एफिशेंटली फिफ्थ पॉइंट देखो इंक्रीज एप्लीकेशन ऑफ इको सिस्टम बेस्ड अप्रोच ये बहुत अच्छा पॉइंट भी है ये us with many हो गए. So, आपको से भी प्रोटेक्ट करते हैं सो बायूसिंग धिस इको सिस्टम बेस्ड अप्रोच मतलब यू कैन वर्क विद नेचर टू रिड्यूज द रिस्क जैसे कि फ्लड आनेता है तो आप मैनग्रोव अगर होंगे तो बच पाओगे थोड़ा सा कम होगा इफेक्ट ट्रीज लगा दो सोयल इरोजन नहीं होगा आसपास हम बोलते हैं ना प्लांट्स और ट्रीन ट्रीज दैट कैन हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन जिससे कि जैसे बहुत बारिश होती है हैवी रेंज में लैंडस्लाइड का खतरा रहता है वो कम होगा तो मतलब क्या हो गया या वर्किंग विद नेचर टू रिड्यूस द रिस्क तो ये फाइव प्रायोरिटीज हैं दैट आर आउटलाइंड राइट अब आई थिंक आपको ये पाँचों की पाँचों क्लियर हो गई हैं यू कैन राइट अ वेली ब्यूटिफुल आंसर चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैं ये पांच ऐसे पढ़ के चली जाती हूँ तो दैट वुड नॉट बी जस्टिस टू दीज टू द सेशन इट्सल्फ सो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो यहाँ पर जो एडिटोरियल एक रहता है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू सीडिशन वो थोड़ा बड़ा है और मैं उसको ऐसे ही फटा फटाफट से ख़त्म नहीं करना चाहती सो so, मैं उसको लूंगी कमिंग सेशन के अंदर जहाँ पर हम इन डिटेल इन डेप्थ सिडिशन के बारे में जानेंगे ईशूज सिग्नीफिकेंस एवरी थिंग बैलेंसड अप्रोच है ना तो टाइम लेके चीज़ें कवर करेंगे अच्छे से भागा दौड़ी में काम नहीं करना है <laughs> तो यहाँ इसके लिए इतना ही आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा दिस इज योर मैंटर आरजू ककर साइनिंग ऑफ We'll meet you in the next one. Till then, take care, everyone. Good luck, good wishes, happy learning, all the best.